नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का सितंबर 2019 का राशिफल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का माह क्या लेके आया है। सबसे पहले हम कुंभ राशि का ग्रह गोचर देखें। मिथुन राशि में राहु महाराज विद्यमान है। माह का जब आरंभ होगा तो सिंह राशि में सूर्य मंगल के साथ बुध व शुक्र की युति भी होगी। 9 व 10 सितंबर को बुध व शुक्र जो हैं वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आगे चलकर 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और माह के अंत में 22 सितंबर को मंगल जो है वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वृश्चिक राशि में विद्यमान है, मार्गी अवस्था में है। शनि महाराज जो हैं वो आपके लाभ भाव में विराजमान है, धनु राशि में, जिनकी केतु के साथ होती है जो कि वक्री अवस्था में है, और 18 सितंबर के बाद जो कि मार्गी हो जाएंगे। तो ये है ग्रहों का ग्रह गोचर। यह ग्रह गोचर कुंभ राशि के जातकों को सितंबर के माह में क्या देने वाला है, अपने इस वीडियो में इसी बात का विचार करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे प्रिडिक्शन ना माने, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए जरूरी है कि आपकी कुंडली की दशा व अंतरदशा का अध्ययन किया जाए और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। आइए हम देखें कि कुंभ राशि वाले के लिए सितंबर का माह क्या लेके आया है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात यह होगी कि 18 सितंबर को शनि महाराज जो है मार्गी हो रहे हैं, आपके लग्नेश मार्गी हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि लग्नेश के मार्गी होने से आप अपने को अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि शनि ऐसा ग्रह है जो बहुत हर काम को स्लो गति से करते हैं, शनि शनि चलने वाले की प्रवृत्ति है। अब अगर वो वक्री हो गए तो कामों में आपको और देरी महसूस हो रही थी, वो कामों की देरी आपकी ख़त्म होगी। साथ ही शनि महाराज विद्यमान है धन भाव में, लाभ भाव में, तो वो स्थिति भी आपके लिए शुभ है कि धन संबंधी मामलों में आपको थोड़ी सी तेजी आएगी। आपके कहीं आपकी पेमेंट वगैरह रुकी हुई थी वो रुकी आ सकती हैं। आपकी कोई इच्छा पूर्ति थी जो अप्रैल से आप कोशिश कर रहे थे वो काम नहीं हो पा रहा था, उसके भी काम होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि शनि महाराज इच्छा पूर्ति के भाव में बैठे हुए हैं। दूसरी विशेष बात यह है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए 22 सितंबर तक काम की बड़ी उत्तम स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दशमेश मंगल अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं। दशमेश की अपने ही भाव पर दृष्टि है और साथ ही दशम भाव पर विराजमान है आपके लाभेश और धनेश गुरु, जो काम के लिए बड़े उत्तम संकेत है। यानी ये आप जहाँ कार्य करते थे वहाँ पे आप उन्नति का संकेत मान सकते हैं कि आपको ऑफिस में जब काम करते थे या व्यापार में काम करते थे या किसी कंसर्न में काम करते थे तो आपके काम को रिकग्निशन मिलेगी, आप जो मेहनत करेंगे उसको पहचान मिलेगी। तो ये समय है, आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट सामने दिखाई देगा। जहाँ तक हम धनभाव की बात करें तो धनभाव पर दशमेश मंगल की खुद की दृष्टि है मीन राशि पर, और धनेश गुरु की खुद दृष्टि जो है धन भाव पर है, जो इस बात का संकेत है। साथ ही लाभ भाव में बैठे शनि भी मार्गी हो गए हैं कि धन के लिए उत्तम संकेत है। धन की आपको परेशानी नहीं रहेगी, आपको जब धन की जरूरत होगी धन आपको मिल जाएगा और धन संबंधी मामलों में आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं रहेगी। एक कन्या राशि आपके लिए बड़ी प्रभुत्व होकर आई है, जब कन्या राशि में बुध व शुक्र जो हैं वो नीचभंग राजयोग बना रहे। ये नीचभंग राजयोग बनाए अष्टम भाव में और अष्टम भाव से ठीक सप्तम भाव पर है, सातवें स्थान पर है आपका धन भाव। अष्टम भाव में जो नीचभंग राजयोग बना है इस बात का संकेत दे रहा है कि अचानक ही आपके पास धन आ सकता है। वो धन आने का कोई भी जरिया हो सकता है, आपको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिल सकता है, आपने कोई FD वगैरह करा रखी हो, वो अचानक आपको पता लगे मैच्योर हो गई, आपको ध्यान ही नहीं था, आपने का कोई क्लेम था जो काफ़ी समय से रुका हुआ था उस क्लेम का पैसा आपको मिल जाए, कोई पॉलिसी वगैरह का पैसा था, कोई आपका प्रॉपर्टी वगैरह का विवाद चल रहा था अचानक लगा वो आपके पक्ष में हो गया। तो यानी अप्रत्याशित रूप से पैसा आने का ये संकेत है। तो ये सब पॉजिटिविटी बनी हुई है कुंभ राशि के जातकों के लिए। अब मैं बात करूं कि कुंभ राशि वाले जातकों को सितंबर माह में सावधानी क्या बरतनी है। सावधानी बरतने की शुरुआत करें हम 17 सितंबर से। 17 सितंबर के बाद जो है सूर्य जो है आपके सप्तम से अष्टम में आ जाएंगे कन्या राशि में। सूर्य आपके सप्तमेश हैं यानी सप्तम भाव के स्वामी। सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आ जाएगा तो इस बात का संकेत है कि दाम्पत्य जीवन में आप थोड़ी सावधानी बरतें। पति पत्नी में विवाद की संभावना बन सकती है, जरा सी छोटी सी बात पे विवाद हो सकता है। आप जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखें, आप कहीं यात्रा पे जाएं उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, वाहन को सावधानी से चलाएं, क्योंकि आगे चलकर सूर्य के संग मंगल की भी युति हो जाएगी। मंगल जब अष्टम भाव से संपर्क करता है तो एक तो आपकी वाणी भाव को देखेगा तो आपकी वाणी क्या कर्कश हो जाएगी, आपकी बात से कई लोग नाराज हो सकते हैं। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, गुस्सा आदि खाएगा उस पर नियंत्रण रखें, वाहन को सावधानी से चलाएं, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल से संबंध होने पर वाहन दुर्घटना की स्थिति बढ़ती है। जो जातक मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं वो अपनी वाहन की गति को नियंत्रित रखें अगर आपकी कुंभ राशि है, क्योंकि जब हमें पता है कि गोचर खराब है और मंगल हमारे अष्टम में चल रहा है तो हमें सावधानी बरतनी अपेक्षित है।
और जिनको लगता है कि नहीं उनकी कुंडली में ऐसी ग्रह की स्थिति चल रही है कि बार बार उनके एक्सीडेंट ही हो जाते हैं, तो उनके लिए छोटा सा उपाय मैं बता रही हूँ कि वो क्या करें कि शुक्ल पक्ष के मंगलवार को 8 सूखे छुआरे, सूखे खजूर होते हैं ना, सूखे छुआरे लें और उनको लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांधें और उस कपड़े को एक थैली में रखें और उसको अपने मोटरसाइकिल में या गाड़ी के डैशबोर्ड में डाल दें सुबह 11:15 के करीब शुक्ल पक्ष के मंगलवार को। निश्चित रूप से हनुमान जी आपकी आपकी सारी उम्मीदें पूरी करेंगे और आपका हर दुर्घटना से बचाव होगा। ये बात काम कर सकते हैं। साथ ही पंचम भाव का स्वामी जो है आपके अष्टम में आया, नीचभंग राजयोग तो बना रहा है पर इस बात का भी संकेत दे रहा है कि प्रेम संबंधों में सावधानी रखने का समय है। राजनीति का कारक और सरकारी नौकरी का कारक सूर्य क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो इस बात का संकेत है कि जो लोग गवर्नमेंट नौकरी में हैं वो कार्यस्थल पर विवाद से बचें। कार्यस्थल पर कोई विवाद ना हो जाए तो अचानक किसी बात को बड़ा ना बनने दें, अपने पर नियंत्रण रखें। साथ ही जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि वो कोई ऐसी बात ना हो जाए कि शत्रु उनके ऊपर हावी हो जाए, क्योंकि जब आपका आत्मा का कारक सूर्य ऐसे बुरे स्थानों पर आता है तो शत्रु आपके ऊपर ज़्यादा हावी होने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें कि शत्रु आप पे हावी ना होए, आप जो बयानबाजी करें कुछ भी करें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी आपकी कटु हो सकती है और आपकी वाणी से कोई भी काम आपका बिगड़ सकता है। सितंबर माह जो है कुंभ राशि के लिए बड़े व महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय सही नहीं है। आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाहन को सावधानी से चलाना है और एक विशेष बात कि अगर कुंभ राशि का जातक जॉब बदलने की सोच रहा था तो कम से कम सितंबर माह में जॉब ना बदलें। आपकी जो जॉब चल रही है उसे चलने दें, आगे चल के जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाएगी तब आप जॉब बदलें। आप अभी जॉब बदल देंगे फिर आपको टेंशन हो जाएगी क्योंकि जॉब मिलने में फिर आपको देरी हो जाएगी, इसलिए ग्रह गोचर ऐसा नहीं है कि आप जॉब बदलें। इसलिए अगर कार्यस्थल पर कोई बात भी हो जाए तो अपने पर नियंत्रण रखें, आप छुट्टी ले लें कुछ दिन की और घर पर रहें। साथ ही जो लोग व्यापारी वर्ग में हैं, व्यापारी वर्ग में ध्यान रखें कि अगर आपकी कोई पार्टनरशिप है तो ध्यान रखें कि पार्टनर के से 17 सितंबर के बाद कोई झगड़ा ना हो जाए, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है, पार्टनरशिप का कारक सप्तमी सूर्य अष्टम में चला जाएगा तो किसी बात पे जरा सी बात पे विवाद हो सकता है। तो पार्टनर के साथ संबंधों में सहजता बना के रखें। अब मैं बताती हूँ कि कुंभ राशि के लिए सितंबर माह पे कौन सी शुभ तिथियाँ निकल के आई हैं। इनका निर्धारण मैंने किया है जब चंद्रमा या तो कुंभ में होगा, मेष में, कर्क में, सिंह में, वृश्चिक में या धनु में होगा तो चंद्रमा आपका शुभ होगा और इस समय अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। वो शुभ तिथि आप नोट करिए 5 व 6 सितंबर, 7 व 8 सितंबर, 12 व 13 सितंबर, 17 व 18 सितंबर, 24 व 25 सितंबर, 26 व 27 सितंबर वो शुभ तिथियाँ हैं कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, कहीं किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, कहीं यात्रा करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो इन तिथियों का ध्यान रखें, इससे आपको लाभ होगा। अब मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका नेगेटिव होगा। चंद्रमा कब नेगेटिव होता है, जब चंद्रमा 4वें, 8वें या 12वें घर का होता है। और कुंभ राशि के लिए चंद्रमा नेगेटिव होता है जब चंद्रमा वृषभ का हो, कन्या का हो और मकर का हो, तो चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव होता है। हो सके तो इस समय कोई महत्वपूर्ण कार्य ना करें, यात्रा को टालें, वाद विवाद से बचें और किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर ना पहुँचें इन दिनों। वो अशुभ तिथियाँ नोट करिए 1 व 2 सितंबर, 9 व 10 सितंबर, 11 व 19 सितंबर, 20 व 21 सितंबर व 28 सितंबर व शुभ तिथियाँ हैं कि अपना जो आप रूटीन का काम करिए पर काम करते समय ध्यान रखिए, अगर कोई आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है तो इन तिथियों का आप ध्यान रखिए। ये तो मैंने बताया है कि कुंभ राशि वालों का ग्रह गोचर क्या चल रहा है। एक अच्छा समय है काम करने के लिए, अच्छा समय है पर आप रूटीन का ही काम करिए, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लीजिए इस माह। इसके साथ ही जो जातक मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं, मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।